नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 21 अप्रैल के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो HPPG के जो रिजल्ट हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ HPU जो है वो इस डेट से लेगा UGPG एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही HPU जो है वो समय पर UG के रिजल्ट जारी करेगा, जल्दी होगा मूल्यांकन, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो परीक्षा फॉर्म से संबंधित समस्या के लिए विद्यार्थियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे जो भी स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब परीक्षा फॉर्म से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें यूनिवर्सिटी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से यूनिवर्सिटी में जो है वो जो भी यहाँ पे इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी ब्रांच होगी वहाँ पे अपनी समस्या जो है वो दर्ज करवा सकते हैं और उसका समाधान करवा सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के हित के लिए अपनी वेबसाइट में जो है वो ग्रीवेंस पोर्टल शुरू कर दी है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में किसी भी छात्र को परीक्षा फॉर्म से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पर जाके जो ग्रीवेंस पोर्टल है वहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिख सकता है। विद्यार्थी को वेबसाइट पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एग्ज़ाम पोर्टल पे जो है वो क्लिक करना होगा। इसके बाद ग्रीवेंस पोर्टल खुल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद विद्यार्थी को अपना रोल नंबर और साथ में जो है वो परीक्षा फॉर्म से संबंधित जो भी समस्या है वो लिखनी होगी और वो उस संबंधित शाखा में पहुंच जाएगी। विश्वविद्यालय की इस पहल से हज़ारों विद्यार्थियों को जो है वो लाभ मिलेगा। इसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने एक स्टेटमेंट जारी करी है। तो उन्होंने बोला है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस आते हैं उसके विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म से संबंधित समस्या का समाधान यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने ग्रीवेंस पोर्टल शुरू कर दिया है। विद्यार्थी अब वेबसाइट पर अपनी समस्या जो है वो बता सकते हैं और जो ये ग्रीवेंस है वहाँ पे छात्र को मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा और समस्या लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो उसका समाधान यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU से संबंधित रहेगा। तो HPU जो है वो समय पे जो है UG के रिजल्ट जारी करेगा, जल्द होगा मूल्यांकन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इस बार UG स्तर की कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जो है वो समय पे घोषित करने के लिए तैयारियां शुरू जो है वो उसने कर दी हैं। जल्द ही उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस बार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आंसर शीट के मूल्यांकन के लिए केंद्रों की संख्या को भी जो है वो बढ़ा दिया है। इस बार जो है वो 24 इवैल्यूएशन सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर के छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कराया जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पर सेकेंड और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो आएगा। तो जल्दी ही रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि HPU के जो PG के रिजल्ट है वो कब से जारी होंगे, तो यहाँ पे भी कल जो है वो MA मास कम्युनिकेशन का और जर्नलिज्म का जो रिजल्ट था फर्स्ट सेमेस्टर का वो जारी हो गया है। अब यहाँ पे जो भी PG के रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे और मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो मई मंथ तक जो है वो आ जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के जो UG और PG के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने हैं उनसे संबंधित रहेगा। तो जो HPU ने पहले शेड्यूल जारी करा था PG और UG के लिए एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसको जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे HPU जो है वो नया शेड्यूल जो है वो जारी करेगा और उस शेड्यूल में जो है वो अब जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा UG और PG का वो 20 मई से स्टार्ट होंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी शेड्यूल है वो आप लोगों को जल्दी ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे भी फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।